हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेश कुमार शर्मा है। मेरा ब्रांड डिज़ाइन हाउस क्रिएशन है और मेरा ये एक्चुअली ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो मैंने तभी इसका नाम और इसका लोगो डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट सोच रखा था जब मैं जॉब स्टार्ट किया था एज ए डिज़ाइनर। लोकल मार्केट में आप कोर्स कर लेते हो, डिग्रियां कर लेते हो, सब कुछ अर्न कर लेते हो, पर आपके पास एक टेक्निकल स्किल तो नहीं होता है। जो बहुत इंटेलिजेंट है, डिग्री होल्डर्स है, वो अपनी पोजीशन ऑलरेडी बना लेते हैं, पर जो मीडिया का स्टूडेंट्स है वो नहीं कर पाते कई बार। मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसके बेस पे मैं उन्हें मोटिवेट करता हूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग 60 आवर्स कोर्स अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो वो हम उसमें हेल्प भी कर देते हैं आप। और मेरा कोर्स करने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत नहीं है। ये 10th के बाद मीडियम इंग्लिश से भी पढ़े हुए स्टूडेंट वो कर सकते हैं। बिजनेस में कहाँ कहाँ, किस किस लेवल पे और कितने एरियाज में उन्होंने अप्लाई करना है, या ऑडियंस टारगेट करना है, या क्लाइंट टारगेट करना है, तो ये सब चीज़ें मैं अपने कोर्स में करवाता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेनिंग में मैं वही काम करवा रहा हूँ जो 14 इयर्स का एक्सपीरियंस जो मेरा है इस फील्ड में, वही मैं स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा हूँ। फ़ायदा क्या है, उन्हें पता चलता है कि कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, कलर कम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो, क्यों करना है, डिज़ाइन का आइडिया कहाँ से आना है, डिज़ाइन कितने तरीके से, कितने साइजेस में डिवाइड करना है, अगर फार्मा के साथ काम कर रहे हैं तो किस टाइप का आर्टवर्क चाहिए, IT इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं तो किस लेवल की डिजाइनिंग चाहिए, इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। मेरी फील्ड में तकरीबन वही स्टूडेंट आते हैं जो स्पेशली डेडिकेटेड रहते हैं क्रिएटिविटी के लिए, आर्टवर्क के लिए, जिन्हें कलर कम्बिनेशन अच्छा लगता है, क्रिएटिविटी है, ड्राइंग कर लेता है, या मुझे कलर अच्छे लगते हैं, या मेरे को प्रिंटिंग कैसी होती है इसके बारे में जानना है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के बाद वो 2 महीने के बाद ही कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। ये हमारे स्टूडेंट के साथ एक कमिटमेंट रहता है कि जो उनको कंप्लीट नॉलेज देके उनको अपने अपनी फील्ड में सेट करना। उनके बच्चों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कंप्यूटर कोर्स, महंगे कोर्स करें। टैलेंट तो उनमें होता है, नेचुरली बहुत टैलेंट होता है, टैलेंट पहचान के उनको पूरा मोटिवेट कर रहे हैं और स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके अंदर, ताकि वो एक सही डायरेक्शन में मूव कर सके, अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि ये जो फील्ड है ये ख़त्म होने वाला नहीं है। डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है इसके। और बच्चों को एक नया रोज़गार मिल जाएगा और एक फ्री में लाइन मिल जाएगी। कम एरिया के लोगों को हम कैसे कॉन्टैक्ट करें, इसके लिए हमने स्पेशली एक ड्राफ्ट रेडी किया है कि जिसमें हम NGOs के थ्रू, वहाँ लोकल सरकारी स्कूल्स के थ्रू उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल बच्चे को अगर हम खुद हिट करना चाहें तो बहुत टाइम लगता है। बच्चों की स्कूल्स में जाके हम बताते हैं कि बच्चों के स्किल्स कैसे डेवलप होंगे। 10th क्लास के बच्चे हैं जो प्लस 10th से ऊपर के, +1 +2 के बच्चे हैं जो, तो वो बस हमारी बात को अच्छी तरह समझ भी रहे हैं और समझ के हमारे साथ जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब वो बच्चे हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो अपने स्कूल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, NGOs के नियर अबाउट कोई NGO है तो उनके थ्रू जुड़ सकते हैं, या हमारे ईमेल IDs और हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं तो उनके थ्रू डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग सीखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर पे सिस्टम हो, पूरा सेटअप हो, 60-70 हज़ार का तो सिस्टम ही है आजकल जो अच्छे वाला है, तो नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। जस्ट कोर्स करो, प्रैक्टिकल नॉलेज करो, अपना प्रैक्टिकल का टाइम हम देंगे आपको, कंप्यूटर प्रोवाइड करेंगे आपको हमारे इंस्टीट्यूट में। बेस्ट वे है कि हम प्रोजेक्टर पे एक साथ 10 बच्चों को टीच कर सकते हैं, और 10 से ज़्यादा की क्लास हम नहीं रखते। कोशिश मेरी यही रहती है 8 या 10 बच्चे हों, ताकि जितने बच्चे क्लास अटेंड करें उनको अच्छी तरह समझ आए। हमारी जो हेल्पलाइन है तकरीबन लाइफ टाइम ही रहेगी आपको किसी भी, और 1 साल या 2 साल जॉब करने के बाद बच्चों को अपने आप डायरेक्शन मिल जाता है। हमारे ऑलरेडी तक काफ़ी सारी NGO से, स्कूल से टाई अप हमारा हो चुका है, जिसकी वजह से उनको इजी है कि अपने स्कूल में हमारा एड्रेस, फ़ोन नंबर पता करें, हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें
ताकि हम उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो नीड है कोर्सेज की वो हम प्रोवाइड कर सकें। तो हम जब सेमिनार करते हैं तो हम एक प्रोजेक्टर पे ही उनको स्टार्टिंग में डेमो देते हैं, पर उसके बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उनको हमारे इंस्टीट्यूट आना पड़ता है। हमने अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है डिज़ाइन हाउस क्रिएशन के नाम से। तो इस चैनल का फ़ायदा क्या है कि बच्चे कोर्स करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि नहीं हमसे रेगुलर कॉन्टैक्ट में रह पाते, तो उन ट्यूटोरियल्स को देख के डिज़ाइनिंग के वेरिएशंस देख सकते हैं, किस टाइप की डिज़ाइनिंग, किस टाइप का लोगो डिज़ाइनिंग, किस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग किस लेवल तक कर सकते हैं। तो इससे मेरे ख्याल बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ लगाएं, उनको रोज़गार के अवसर प्रदान करें ताकि वो एक सही समाज का निर्माण कर सके। हम उन बच्चों को इसलिए भी मोटिवेट करते हैं कि आप सीखो, और किसी को अगर सिखाने के काबिल हो आप आगे तो उसको ट्रेन भी करो, तो वो भी दूसरा भी इन चीज़ों का लाभ उठा सके। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए उनको, तो हम उनकी जितनी भी हो सकेगा हेल्प करेंगे, खुद भी सीखें और औरों को भी सिखाएं।